और शिवाय को चोट लगी है ये देखो ये रुद्राक्ष का पेड़ है सामने और पापा ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई लगा हुआ होगा नेचुरल रुद्राक्ष और ये पर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे वो ही दिखा दो आप एक बार ओपन करके नमस्ते राक्षी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो अभी हम अपने घर आए हुए हैं तो आज हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर मैं शिवाय मम्मी वृतिका पापा और अनुज तो अभी हम निकले हैं घर से आज पूरा डे बुक है पहले हम मंदिर जाएंगे फिर हम एलिना के बर्थडे पे जाएंगे और उसके बाद हम खाटू श्याम के जागरण में जाएंगे सोचा तो यही है बाकी देखते हैं क्या क्या होगा और शिवाय को चोट लगी है ये देखो ये बीटाडीन लगाई हुई है हमने यहाँ पे इसने डोर ओपन कर लिया और इसका पैर वहीं पे था और खुद से डोर ओपन करके इसमें लग गया आने वाला तो 1 किलोमीटर हो रहा है हम पहुंच गए हैं मंदिर में जाने लग रहे हैं अभी प्रसाद लेंगे पहले और शिवाय सोया हुआ आया पूरी रास्ते सोया हुआ था अभी उठा है कॉमेटी की शॉप है यहाँ पे अब प्रसाद की अभी ओपन हुई है यहीं से लेंगे बूंदी के लड्डू आप दे दो कितने हैं हाँ बूंदी के लड्डू है इसमें ये यहाँ मूर्ति के सामने ना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सब और हम भी पढ़ेंगे अभी रुद्राक्ष का पेड़ है सामने और पापा ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई लगा हुआ होगा नेचुरल रुद्राक्ष वो हम ले लेंगे इस पेड़ पे लगते हैं और लगे हुए हैं कच्चे छोटे छोटे हाँ इनके ऊपर से छिलका उतरेगा फिर निकलेंगे ये पड़े हैं जैसे रुद्राक्ष लेकिन ये कच्चे टूटे हुए हैं अभी पूरे नहीं बने यहाँ पे सरोवर है इसमें शायद फिश है इसमें क्या है ये कैसा सरोवर है मतलब पैर धोने का कुछ हम मंदिर से आ गए थे अभी हम यमुनानगर में आए हैं मॉडल टाउन बर्थडे पे जाना है ना एलिना के तो उसके लिए गिफ्ट लेंगे तो ये सब एक्टिविटी वाले टॉयज देख रहे हैं हम उसके लिए अरे पर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे इधर ये पर्स है क्यूट से बहुत लेकिन वो बहुत छोटी है अभी हाँ जी एक ही है अच्छा ये हैमर से वो करना बोल के स्लाइड होकर निकल सकती है ठीक है बस वो लड़की है हैमर वाले तो ये लड़कों के पास जा चलते हैं वो ही दिखा दो आप एक बार ओपन करके एक तो हमने ये फाइनल कर लिया उसके लिए बैग इस तरह की डोल उसके पास है शायद मैंने फोटो में देखी पॉसिबल है तो सुंदर लग रही बटी है ना वो सुंदर एक हमने उसके लिए ये लिए डक और एक ही बैग थैंक यू शिवाय शिवाय ये साक्षी अपने भाई के आई हुई थी और उसको हमने बुलाया सामान देने के लिए दोबारा फिर आएंगे हम थोड़ी देर बाद ये भी मासी जी के यहीं आएगी बर्थडे में कांडो बन जाएगी नमस्ते साक्षी दो लेनी है केक लेनी तीन बोतल ले रहे हम लस्सी की दे दो जितनी देनी है मैं दो दे दे चल दो दे दे प्रसाद साक्षी है प्रसाद है साक्षी और इसमें ना उसके पानी के चश्मा भी है
किसका है वो देखिए, देविक का है क्या? देविका का फिर नहीं दे दे, देखिए बताइयो किसका है यो। चलिए तो ये तो साक्षी चल दिया ना दरवाजा अलग क्या सामान है बस। Oh, oh, oh.